हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इसमें अभी हम बात करेंगे यूपीएससी एक्स्ट्रा टर्म जजमेंट के बारे में। जी हाँ, तो इसका 11 बजे जजमेंट प्रोनाउंस होगा, अभी से लगभग 1 घंटे 8 मिनट बाद। 9:52 हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद इसका जजमेंट 11 बजे प्रोनाउंस होगा। इंदु मल्होत्रा की जो हेडेड बाय ए बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, हेडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा, वो प्रोनाउंस करेंगी। अब फ्रेंड्स, ये उनको राहत देगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट 2020 में खत्म हो चुका है। लास्ट अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड द लास्ट अटेम्प्ट अक्टूबर 2020 जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था उनको। अब फ्रेंड्स, अभी इसमें तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दे दी और लाइव लॉ के ट्विटर फीड पे बाद में आया हुआ है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे और आपको बताने वाला हूँ कि इसका इस जो जजमेंट आने वाला है उसके क्या क्या अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से बच्चे। यह फ्रेंड्स, तो 15th फेब को नीट और जेई मेन वाले एस्पायरेंट ने भी एक एप्लीकेशन पीआईएल दायर किया हुआ है कि हमें भी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। खास करके उसमें तो दो ही अटेम्प्ट होते थे इस साल, हालांकि साल में चार बार एग्जामिनेशन इस बार होंगे 2021 से। लेकिन यहां पे उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑलरेडी हम एक जजमेंट सुनाने वाले हैं यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मामले में, तो वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। जी हाँ, यूपीएससी जो है हाईएस्ट एग्जामिनेशन बॉडी है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से बड़ा कोई एग्जाम इंडिया में है नहीं। सेकेंड, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो बेसिक लॉज है, रूल्स है, बेसिक राइट्स है, उनके वो गारंटर, डिफेंडर और प्रोटेक्टर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आ जाएगा उसके बहुत दूर तक मायने होते हैं, काफी कुछ डिपेंड करेगा बहुत सारी परीक्षाओं पे। तो हो सकता है स्टेट पीसीएस में भी लोग जाएं, कहें कि हमें भी एक मौका दीजिए, खास करके जिनका लास्ट अटेम्प्ट पिछले साल था, और नीट जेई जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन है वहां भी लोग एस्पायरेंट्स कहें कि हमें भी एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए। तो इस तरह का एक ओपन गेटवे खुल सकता है, गेट ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे जो 9 फरवरी जो हुआ था वो बेंच थी कंप्राइजिंग खानविलकर सर, इंदु मल्होत्रा, अजय रस्तोगी सर ने सुना था और ऑर्डर को रिजर्व रखा था। ये सब बातें पहले ही बताई जा चुकी थी और डिटेल यहाँ पे रीड कर दी जा सकती है। मैं यहाँ पे आप सबसे बात कर रहा था कि इसके क्या क्या दूर फोर साइड्स हो सकते हैं, क्या क्या इसके और फायदे हो सकते हैं, इस जजमेंट पे कितना कुछ डिपेंड कर रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जो नीट और जेई के एस्पायरेंट, जेई मेन के एस्पायरेंट है, उनको भी इससे फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मैटर भी इसके साथ क्लब्ड कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसने कहा कि आप उसका वेट कीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बेंचमार्क जजमेंट साबित हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, खास करके COVID-19 के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए, खास करके उन बच्चों को पर इम्पैक्ट को ध्यान देते हुए जिनका 2020 में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में लास्ट अटेम्प्ट था और उसके बाद से वो अटेम्प्ट में एज की वजह से या नंबर ऑफ अटेम्प्ट की वजह से बाहर हो रहे थे। तो यहाँ पे दो चीजें काफी, इवन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए फैक्टर कैलकुलेट करके दिया जा सकता है, तो बहुत ही उम्दा है। जैसे सपोज कीजिए बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका लास्ट अटेम्प्ट पिछले साल था, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के टर्म में भी और एज के टर्म्स में भी। तो सुप्रीम कोर्ट आज का क्या फैसला होगा उस पर भी ये डिपेंड कर सकता है कि उनको भी, बैंक वाले को भी मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ऑब्वियसली एक फ्लडेड गेटवे खुल जाएगा और रास्ते खुल जाएंगे, हर कोई अपने आप को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे बातों का जवाब आज के फैसले में देने वाला है। तो काफी महत्वपूर्ण फैसला है फ्रेंड्स, खास करके जी मेन एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट गारंटर, प्रोटेक्टर और डिफेंडर है हमारे बेसिक राइट्स का, और हमारा बेसिक राइट्स एम्प्लॉयमेंट का भी है और सबको एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने का भी है। तो ये सब भी कंसीडर किया जाएगा। और जैसा बताया कि इससे बड़ा एग्जाम इंडिया में कोई नहीं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से बड़ा एग्जाम इंडिया में शायद ही कोई है। तो यहाँ पे आज का फैसला न सिर्फ यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, न सिर्फ उन 58 एस्पायरेंट्स के लिए जो जिन लोगों ने इसके लिए रिट पिटीशन लगाई हुई है, बल्कि बहुत सारे लाखों बच्चों का जो बैंकिंग, SSC, बाकी सारे CDS एग्जामिनेशन में जिनका लास्ट अटेम्प्ट जो था पिछले साल था, और इवन स्टेट पीसीएस में भी ये सारे वैलिड हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो कि हेडेड बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा
जी के द्वारा प्रोनाउंस की जाएगी 11 बजे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। 11 बजे जो कुछ भी न्यूज होगा मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल। थैंक यू सो मच।